हेलो नमस्कार। आपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि हाईएस्ट ओपनिंग डे कलेक्शन, हाईएस्ट ओपनिंग वीक, टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन मूवीज़, टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड मूवीज़। इस तरह से आपने अलग अलग रिकॉर्ड्स सुने होंगे। बॉक्स ऑफिस पे किसने सबसे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो सुना होगा। आज मैं आपको बताऊँगा हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी 2023 में। सिर्फ मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस की, यानी कि दुनिया भर की कौन सी ऐसी टॉप 15 मूवीज़ है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया है। आपको क्या लगता है कि क्या इस लिस्ट में कोई बॉलीवुड मूवी है? अगर कोई बॉलीवुड मूवी है तो वो कौन सी मूवी है, आप ज़रूर अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर कोई बॉलीवुड मूवी है लिस्ट में तो आपको ज़रूर इस लिस्ट में देखने को मिलेगी, अगर नहीं है तो नहीं देखने को मिलेगी। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, लेकिन एक बॉलीवुड मूवी ज़रूर है ये मैं बता दूँ। फर्स्ट पोजीशन पे मूवी आती है सुपर मारियो। ये मूवी 2023 में रिलीज़ हुई। इस मूवी ने टोटल 1.3 बिलियन US डॉलर्स का कलेक्शन किया और ये है टॉप पोजीशन पे रहने वाली मूवी, नंबर वन पोजीशन पे 2023 में, जिसने कि सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया है। नंबर सेकंड पोजीशन की बात करें, सेकंड पोजीशन पे अगर मूवी की बात करें तो मूवी आती है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। इस मूवी ने 2023 में ज़बरदस्त कलेक्शन किया था 823 मिलियन US डॉलर्स का और ये रहती है हमारी सेकेंड पोजिशन पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी। थर्ड पोजीशन पे मूवी आती है फास्ट टैक्स। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ की ही मूवी है, इसने भी ज़बरदस्त कलेक्शन किया। इसका टोटल कलेक्शन था लगभग 650 मिलियन US डॉलर्स। नेक्स्ट पोजीशन पे मूवी आती है स्पाइडरमैन और इस मूवी ने लगभग 523 मिलियन US डॉलर्स का कलेक्शन किया। ज़बरदस्त मूवी, एनिमेटेड मूवी और 2023 की लिस्ट में फिफ्थ पोजीशन पे ये मूवी आकर के रहती है, सॉरी फोर्थ पोजीशन पे मूवी आकर के रहती है। फिफ्थ पोजीशन पे आती है एंटमैन। इस मूवी ने लगभग 400+ मिलियन US डॉलर्स का कलेक्शन किया था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे अच्छी खासी हिट रही थी। वहीं नेक्स्ट मूवी की बात करें तो आप देख सकते हैं लिटल मरमेड 472 मिलियन US डॉलर्स, जॉन विक 427 मिलियन US डॉलर्स, ट्रांसफॉर्मर 285 मिलियन US डॉलर्स, क्रीड 3 275 मिलियन US डॉलर्स। नेक्स्ट ये स्पेलिंग पता नहीं क्या है, 208 मिलियन डॉलर्स, स्क्रीम 4 168 मिलियन डॉलर्स, ईविल डेड 446 मिलियन डॉलर्स, फ्लैश 144 मिलियन डॉलर्स, शज़ाम 133 मिलियन डॉलर्स। एंड नेक्स्ट मूवी आती है सुपरस्टार शाहरुख खान की मूवी पठान, जिसने कि 130 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे। तो ये तो थी मूवीज़ जिन्होंने टॉप 15 पे अपनी पोजीशन बनाई है, जिसमें से पठान मूवी का भी नाम था लगभग 130 मिलियन डॉलर्स, या आप कहें एग्जैक्टली 128 मिलियन डॉलर्स। आपको क्या कहना है इस लिस्ट के बारे में और आपकी इनमें से फेवरेट मूवी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।